What's up guys, this is Tarun Jat. आप देख रहे हैं तरुण जाट YouTube फिटनेस चैनल। आज अपन रिव्यू करेंगे ग्रीन टी का रिव्यू। ये कौन कौन लोग ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते, एवरीथिंग, कैसे बनता है कैसे नहीं, सब बताएंगे। ग्रीन टी बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि कई सालों से काफ़ी पॉपुलर है और बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। इसके रीजन भी है। ग्रीन टी कहाँ से बनती है? ग्रीन टी बनती है, एक प्लांट है कैमिला सोरेसस, उस प्लांट का पत्ते को तोड़कर उसको सुखाकर बनता है ग्रीन टी। जैसे इस गार्डन में है, अपने पास अपने पास ब्रांड है, ये अपने किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहे। इसकी जो देखो ये सूखे हुए हैं, ये ग्रीन टी है, सुखाने के बाद तोड़ के हैं वो स्टीम करते हैं, उसको सुखा के वो ग्रीन टी होता है। देखो ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसके, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंटी कैंसर बहुत ही शानदार चीज़ है। जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर सर्वाइव है, कोई लोग कैंसर से बचना चाहते हैं तो वो लोग प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, एनीवन कोई भी ढेर सारे जो कैंसर उनसे बचाने के लिए ग्रीन टी एंटी कैंसर होता है। इसमें जो बॉडी के अंदर ट्यूमर बनता है कैंसर का उसको रोकता है। बेनिफिट इसका एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन टी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अक्सर जो लोग बीमार पड़ते हैं, बॉडी में तरह तरह के टॉक्सिक बनते हैं उनको रोकता है, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, स्किन डिजीज, एनिमल, बहुत सारी जो एंटीबॉडी जिनके कमज़ोर होती है, जिन लोगों को बीमारियाँ घेरती बार बार, सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की, उनके लिए बहुत बेनिफिट है इसका। डायबिटीज, शुगर, जो जो भी होती है इस तरह की, उनमें बहुत बेनिफिट है। ग्रीन टी के जो फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा है, इसको हर कोई पी सकता है, मेल फीमेल, वैन वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड, अपने घर के जब जो भी मेंबर्स हैं सभी पी सकते हैं इसको, इसके डाइट में रेगुलर ऐड करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है, एकदम नेचुरल। इसके अंदर जब आप कोई दूध, चीनी, शुगर वगैरह ऐड कर आर्टिफिशियल चीज़ ऐड करोगे तो इसके कुछ नुकसान होंगे। सीधा पानी में डिप करो या फिर पानी बॉईल करो, इसको डाला, छान के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट। इसके टेस्ट वेस्ट मायने नहीं रखता क्योंकि अपन ने टेस्ट मायने नहीं रखना, एक मिनट दो मिनट के अंदर रेडी है, और उसके बाद पिया आधा घंटा दो घंटा, ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक पियोगे इसको आप, तुरंत रेडी टू ईट। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर थोड़ा कैफीन भी होता है, 2-4%, बहुत छोटा कैफीन होता है, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्यों आज से आपका फोकस लेवल, कंसंट्रेटेड लेवल अच्छा होता है। ज़्यादा कैफीन होना सही नहीं है। अगर आप कॉफ़ी वगैरह, प्री वर्कआउट वगैरह, एनीवन कोई चीज़ें जिम में वो यूज़ करते हो तो वो इसके नॉन कैफीन लो। मेरे पास एक ब्रांड है ऑर्गेनिक इंडिया, ये बहुत ही मशहूर ब्रांड है, अपन किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप एनीवन ब्रांड, बाजार में कोई भी ब्रांड हो आप यूज़ करो, हम किसी ब्रांड को नहीं कह रहे, ना मैं कहता कभी किसी ब्रांड को। मोस्टली ग्रीन टी ऑर्गेनिक हो तो बेस्ट है, दी बेस्ट, और डीकैफीनेट हो जिससे मतलब कैफीन ना हो उसमें तो और भी बेटर है, क्योंकि डाइट में कैफीन होता है, प्री वर्कआउट, कैफी, कॉफ़ी वगैरह पीते हो आप तो उसको नॉन कैफीन वाली ले लो आप। स्किन सेंसिटिव नहीं हो कोई, कैफीन सेंसिटिव हो तो अपन ने ग्रीन, नॉन कैफीन वाली ग्रीन टी लेनी है, डीकैफीनेट ले लो आप हमेशा। वैसे इसमें नेचुरली नॉर्मली 2-4% होता है, वो कोई बैड नहीं है, वो ब्रेन के लिए, ब्रेन मेमोरी के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए बेस्ट है। कितनी बार पी सकते हैं इसको दिन में? 3-4 बार, कोई दिक्कत नहीं। कब पी सकते हैं? जो स्नैक्स होते हैं अपनी कोशिश करना, जो स्नैक्स होते हैं अपने जैसे 11 बजे 4 बजे, उस स्नैक के अंदर लें आप इसको, या फिर लंच से पहले ले लें, लंच के बाद ले लें,
आप डिनर के बाद भी ले सकते हैं, अगर नॉन कैफीन वाली है तो रात को नहीं पीना, अगर कैफीन वाली है तो रात को नहीं पीना। कैसे बना सकते हो, पैन गर्म करके, ये मेरे पास खुली वाली है, इसको मैं हमेशा उस तरह बनाता हूँ कि पानी गर्म किया, उसमें डाला इसको एक चम्मच और छान के पी लिया। टेस्ट डज नॉट मैटर, देखो टेस्ट 1, 2, 4, 5, 10 दिन का होता है, उसके बाद भूल जाओगे आप टेस्ट, फिर इसमें टेस्ट आने लगेगा, इसमें टेस्ट आएगा आपको, जैसे पानी का टेस्ट नहीं होता ना, इसी तरह ये भी नेचुरल है, कोई टेस्ट नहीं है। कोई चीज़ ऐड करोगे उसके दो, कोई भी चीज़ इसमें ऐड करोगे आप तो उसके देखो नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। आप इसको नेचुरल पियो, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको प्योर पियो, नॉर्मल नेचुरल, इसमें कोई कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, अपनी फैमिली को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्किल में, किसी आप कर्मचारी हैं तो अपने किसी भी जगह पे इसको यूज करें। ओके गाइस, तो सब कुछ आपको बताया ग्रीन टी के बारे में, ज़रूर यूज करें, बहुत ही हेल्दी है जी। तो ओके गाइस, टेक केयर, मेरा इंस्टाग्राम पेज तरुणजाट2007, और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।